दोस्तों क्या आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं? दोस्तों मैं आज एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जो 10 रुपए में 60 पीस तैयार होगा। जी हाँ, 10 रुपए में आप 60 पीस तैयार कर सकते हैं। घर पे रह करके, आप फैमिली में रह करके 22,000 से 30,000 रुपए मंथली आप अर्न कर सकते हैं। इस वीडियोज को आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, मेरे हाथों में कुछ चीज है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये मत सोचना आप कि ये मतलब कैसा लड़का है और किस तरीके से जगह पर जाकर वीडियो शूट कर रहा है। मैं इसी जगह से जो है आज 1 लाख सब्सक्राइबर गेन किया हूं। यही वो जगह है जहां पे मैंने पहले वीडियो शूट करता था, आपने देखा होगा। यदि आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे यही वो जगह है, यही वो लोकेशन है। एक तरफ है शमशान घाट और एक तरफ कब्रिस्तान है, और इसी जगह पे मैं वीडियो जा करके शूट करता था, और उसी के वजह से आज वह लाखों का परिवार हो चुका है। आप भी मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। जी हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो बिजनेस आपको बता रहा हूँ, ये 10 रुपए में 60 पीस क्या चीज़ बनेगा और किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत कम पूंजी में। यदि आप चाहें तो इसको घुमा करके बेच सकते हैं, चाहें तो दुकान पर दे सकते हैं। अगर नहीं करना है तो एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊँगा जो कस्टमर आपके पास आएगा, खुद चल करके आएगा। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप इसको बेचना नहीं चाहेंगे, आप जानते हैं कि मैं लाऊंगा और लोग खुश रहेंगे, लोग खाएंगे, मेरे पास भीड़ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप ना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 गुना 4 गुना कमाई है, 3 गुना 4 गुना कमाई है, बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका टेस्ट कैसा बनाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बेहतर आप बनाएंगे, जितना बेहतर लोगों को खिलाएंगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। और कहीं पे भी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम लोग जो भी इंसान लोग हैं, जरा सोचते हैं, जरा सोचिएगा, हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो इंसान है, वो ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुश होगा, वो पैसे बहुत कमाता होगा। हम लोग यही सोचते हैं, हम किसी को देखते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, समझिएगा यार, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन ये टाइम का वसूल करेंगे आप। जी हाँ, एक इंसान था जो पहाड़ तोड़ता था छेनी और हथौड़ी से, आपने सुना भी होगा, छेनी और हथौड़ी से जो है पहाड़ तोड़ता था, और तोड़ते मतलब डेली तोड़ता था और घर जाता था, जा करके खाना खा करके सो जाता था। तो एक दिन वो खाना खा करके अभी सोने ही वाला था, तब तक वो सोच रहा था कि अरे यार, मैं डेली जाता हूँ ये पहाड़ को तोड़ता हूँ और मुझे चंद रुपये मिलते हैं, चंद पैसे मिलते हैं, है ना, तो इससे अच्छा है कि यार मैं क्यों ना कोई बड़ा आदमी बन जाऊँ। वो सपने में था, सपने में ही मतलब सो गया था और सपने में सोच रहा था कि क्यों मैं बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा हूँ, काश मैं बड़ा आदमी बन जाता। और सोचते सोचते वो भ्रमण कर रहा है, वो अपने काम पे जा रहा है, जहाँ पे वो जाता था डेली पहाड़ तोड़ने के लिए, वहाँ पे वो जा रहा है, और रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा जो है महल दिखाई देता है, और उस महल को देख करके ये सोचता है कि काश इस महल का मैं मालिक होता, काश ये महल जो है मेरी होती, ठीक है। और ये सोचते ही वो महल में थोड़ी देर बाद देखता है कि वो महल का मालिक है और वो मालिक बन चुका है, ठीक है, और अपने घर में ही था, उस महल में ही था। तभी जो है उसको एक शोर सुनाई देता है, एक हल्ला सुनाई देता है, है ना, हजारों की संख्या में एक भीड़ आ रही होती है जिसमें एक राजनेता होता है। वो राजनेता लोगों को ऐसे हाथ हिला रहा होता है और हिला करके, और मतलब कि वो राजा होता है। तो वो आदमी जो है उस अपने महल से देखता है बाहर निकल करके, तो उस राजा को देखता है और सोचता है कि काश मेरे पास भी ये लोग होते और मैं भी यहाँ का राजा होता और मेरे पीछे जो है हजारों लोग जय जयकारा नारा लगा रहे होते, ठीक है। और ये सोचते ही वह राजा बन जाता है और उसके पीछे भी हजारों लोग जय जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जितनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा उसको गर्मी लगती है कि उसको चक्कर आ जाता है और वहीं पे वो गिर जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, वो वहीं पे गिर जाता है और वो सोचता है कि यार मैं बलवान नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं हो सकता, इससे मतलब मुझसे ज़्यादा बड़ा बलवान ताकतवर तो ये सूरज है, जिसकी वजह से मैं मूर्छित हो गया और मैं गिर गया। इसका मतलब अगर मैं सूरज हो जाता, वही क्वेश्चन आती है मन में कि काश मैं सूरज होता और जो है मैं लोगों पे राज करता, जहाँ मर्जी धूप करता, जहाँ मर्जी छांव करता, ये मेरे ऊपर होता और वो सूरज भी बन जाता है। कहने की बात मैं यही समझाना चाहता हूँ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि आपको कुछ मैं देने वाला हूँ यार। आप, मैं बोल रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये पैसे वसूल करके आप जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को क्लिक किया, ध्यान से सुनिएगा, वो सूरज भी बन जाता है और सूरज बनने के बाद वो देखता है कि इतना काला घटा बादल आता है और उस सूरज को भी ढक लेता है, उस सूरज को भी ढक लेता है और वहाँ पे छांव हो जाता है। तो उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा बलवान तो ये बादल हैं, ये बादल हैं जो सूरज को भी ढक लेते हैं। जी हाँ, तो वो सोचता है कि काश मैं ये बादल हो जाता, मैं सूरज को भी ढक लेता। और वो यही सोचते ही उस सपने में ही वो बादल हो जाता है और उस बादल में जो है तैरने लगता है। और थोड़ी देर बाद एक ऐसी आंधी तूफान आती है जो उस हवा
मतलब हवा आती है और उस बादल को भी निकाल ले जाती है, बादल को भी उड़ा ले जाती है। इसका मतलब उसको ये समझ आता है कि यार इससे ताकतवर तो ये हवा है, ये हवा है, और वो हवा भी हो जाता है, वो हवा भी हो जाता है। और उसके बाद से एक ऐसे चट्टान आता है सामने, एक ऐसे पहाड़ आता है जहाँ पे वो हवा जा कर के टकराती है और वो चट्टान हिलता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है। तो वो सोचता है कि काश मैं ये पहाड़ हो जाता, काश मैं ये चट्टान बन जाता कि मेरी हवा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं इतना मजबूत हो जाता। और वो चट्टान भी बन जाता है और उसको थोड़ी देर बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक टन टन की आवाज़ सुनाई देती है। और वो सोचता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। थोड़ी देर बाद वो देखता है, सपने में ही वो देखता है कि एक इंसान छेनी और हथौड़ी लेकर के उस पहाड़ को तोड़ रहा होता है, उस छेनी और हथौड़ी के सहारे उस पहाड़ को तोड़ रहा होता है। और वो फिर सोचता है कि काश मैं वो इंसान बन जाता जो इसको तोड़ रहा है। और लेकिन वो इस समय वो इंसान नहीं बन पाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो नींद से जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वो इंसान मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। चारों तरफ से भ्रमण कर लिया और उसको ये समझ में आता है कि यार मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, वो मैं ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे वजह से सब कुछ है और सबके वजह से मैं हूँ। दोस्तों मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा और या बड़ा नहीं होता है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। आज को जो बिजनेस आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ जो 10 रुपये में 60 पीस तैयार होगा, बहुत से लोग होंगे जो सोचेंगे यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डिप्लोमा RTI पता नहीं कौन कौन से कोर्स किए हैं और मैं ये करूँगा, मेरे फिर वो योग्यता का क्या वैल्यू रह जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे जो बहुत बहुत कोर्स करके आज मूँगफली बेचते हैं। जी हाँ, ठेले पर मूँगफली बेचते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप रिज्यूम लेकर के दर दर के ठोकर खाएंगे उससे बेहतर है कि आप अपना खुद कुछ क्रिएट करें, आप अपना खुद का कुछ कोई बिजनेस करें। दोस्तों ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये सूजी है, मात्र 10 रुपये की सूजी है और जो पाया मिलता है इसमें 60 पीस गोलगप्पे तैयार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं भी मार्केट में आप जाते हैं तो आपको 10 रुपये में 5 या 6 पीस तो नहीं, 4 या 5 पीस आपको मिलता है गोलगप्पे का। वही कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं गोलगप्पे बोलते हैं, लेकिन आप इसको बेचना नहीं चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं गोलगप्पे खिलाऊंगा और लोग खुश रहेंगे, लोग खाएंगे, मेरे पास भीड़ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप गोलगप्पे बेचना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 गुना 4 गुना कमाई है, 3 गुना 4 गुना कमाई है, बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका टेस्ट कैसा बनाते हैं, आप उसका पानी चटनी किस तरीके से बनाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बेहतर आप बनाएंगे, जितना बेहतर लोगों को खिलाएंगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। और कहीं पे भी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, शाम को लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक निगेटिव सोच रखेंगे तो आप निगेटिव में ही जाते रहेंगे, पॉजिटिव सोच लेकर के चलेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरी बात से यदि सहमत हैं तो वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।